किसान आंदोलन से शुरुआत करेंगे जिसका आज 19वां दिन है, लेकिन अब तक अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों की भूख हड़ताल का दिन है। सुबह 8 बजे से ही किसान नेता दिल्ली से सटे बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। सरकार के भरोसे के बाद भी किसान अपनी मांग माने जाने का लगातार दबाव बना रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों का धरना कार्यक्रम है। दिल्ली में भूख हड़ताल को लेकर आम आदमी पार्टी का समर्थन भी इन किसानों को हासिल हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल उपवास कर रहे हैं। आप पर सियासी बवाल भी जारी है। हमारे दो संवाददाता ऐसे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेन बहादुर सिंह हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, एक तरफ किसानों की तरफ से कहा गया है कि हमें कोई भी राजनीतिक समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन एक मंच पर सभी आपके तमाम बड़े नेता केजरीवाल समेत बैठ गए हैं और धरने का साथ दे रहे हैं। देखिए, जहां तक साथ देने की बात है, पहले भी जो भारत बंद किया गया था किसानों के समर्थन में, वो सब विपक्षी पार्टियों ने किया था। लेकिन जहां तक बात करें सिंघू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर पर इस मंच पर, किसानों के मंच पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं और आम आदमी पार्टी का भी कोई यहां आने का कार्यक्रम नहीं है। अपने अपने लेवल पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर समर्थन देने गए, किसान पहले कह सके उनको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि भारत बंद में तमाम विपक्षी पार्टियां दिखाई दी थी। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, हम आंदोलन और तेज करेंगे, आंदोलन पर बैठे रहेंगे और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा आंदोलन। देश भर के लोगों का समर्थन है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हमको समर्थन देना चाहे, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी, पिछले कई दिनों देखा जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ मंच पर नहीं दिखाई दिया और किसानों ने कहा कि पूरा देश समर्थन दे रहा है तो कोई भी दे सकता है हमको। रुक कर लेते हैं जितेंद्र का भी। जितेंद्र, ये बताइए, किसान अनशन पर बैठे हैं और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, तो देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान कोशिश कर रहे थे बॉर्डर तक पहुंचने की। आप जब ग्राउंड पर हैं, आप क्या देख रहे हैं? किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में बाकी लोग पहुंच रहे हैं, दिक्कत हो रही है? हमारे साथ रेवाड़ी से अरविंद ओझा भी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, देखिए, सवाल वही है कि देश के दूसरे हिस्सों से भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर किसान रुक कर रहे हैं, आप जब वहां मौजूद हैं क्या तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद हूं मीनाक्षी, और हमारे पीछे जो ये तमाम किसान नेता हैं आमरण अनशन पर बैठ गए सड़क के किनारे। सर, ये आज से आमरण अनशन शुरुआत हुई है, क्यों? ये देखिए कि ये जो अनशन हम जो शुरू किया है, ये किसानों को समर्थन करने के लिए, काले कानूनों को निरस्त करवाने के लिए और देश के किसान को ताकत देने के लिए ये किया है। सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी, बातचीत टूट गई है, तो सरकार से बातचीत क्यों बंद हो गई? हम तो बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई बातचीत बंद नहीं हुई है। सरकार बातचीत से कोई हल नहीं निकालना चाहती, वो किसानों को बेवकूफ समझ रही है। देखिए, हर तरफ की अपनी मीनाक्षी, लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको बात सुनाई आमरण अनशन बैठे थे, अब तस्वीर ये है, जरा ये देखिए आप कि ये जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, राजस्थान की तरफ से जो हरियाणा की तरफ सड़क जाती है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, बैरिकेड लग चुका है, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं कि देखिए, ये किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इन सब के बीच जरा ये तस्वीर देखिए कि जो पारंपरिक एक जानकारी के साथ आप दफ्तर के बाहर से जुड़ गए। कंवलजीत, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि आप नेता तो इस बात पर आमादा है कि आज के अनशन में वो किसानों का साथ हर हालत में देंगे, कोई भी आरोप लग जाए उसकी परवाह नहीं है उन्हें। काले कानून वापस लो। आप देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी स्टेज पर है और नारेबाजी चल रही है। उनका कहना है कि एक दिन का उपवास रखा जाएगा, ये सिंबॉलिक उपवास है और ये अनशन रहेगा। एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, एक ही मंच पे वो निशाना बना रहे हैं बीजेपी की सरकार को और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को, जो कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। इनका कहना है कि ये दोनों मिलकर किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि तीनों फार्म बिल्स वापस लेने जाने चाहिए। हालांकि देखिए कंवल जी, बीजेपी ने निशाना बेशक यहाँ पर उपवास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि ये ढोंग है, पाखंड है, तो राजनीति का ये दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच किसान
सड़क पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।